आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि इस कार्यक्रम में आप सभी ने मुझे बुलाया और इस कार्यक्रम का मैं हिस्सा बनी। मेरे थोड़े गले में दिक्कत है, मैं अपनी प्रॉपर आवाज़ से नहीं बोल पा रही हूँ, फिर भी आप सबको सुना। यहाँ पे बड़ा अच्छा गीत कुलदीप सरोहा जी ने पेश किया, उनका गीत सुन के तो मुझे भी मन था भी मैं भी यहाँ एक गीत सुना के जाऊँ, और मैं ज़रूर सुनाती, लेकिन मैं आवाज़ में ठीक से बात भी नहीं कर पा रही हूँ तो गीत नहीं गा पाऊँगी। अदरवाइज़ आप सबके जो कार्यक्रम यहाँ पेश किया, जो वेलकम सॉन्ग बच्चों ने पेश किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो सबसे आगे एक लड़की खड़ी थी, जो भी ये खड़ी है, ये कितने साल की थी जो डांस कर रही थी वेलकम सॉन्ग में? हाँ, ये वाली लड़की, ये कितने साल की है? छः साल के। देखो कितनी छोटी सी बच्ची, और ये सब बड़ी बच्चियों को भी माफ कर रही थी, बहुत अच्छा डांस कर रही थी, बहुत अच्छा वेलकम जो डांस सॉन्ग इन्होंने पेश किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं मन ही मन तो गुनगुना रही थी कि मैं भी आप सबको कुछ सुना करके जाऊं। पता नहीं क्यों मेरा गला आज इतना ज़्यादा ख़राब है कि मैं सक्षम नहीं हूँ ऐसा करने में। आज जो हम कार्यक्रम मना रहे हैं माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस तरह की शख्सियत जो समाज सुधारिका रही है और महिलाओं की शिक्षा के लिए खासतौर पर जिन्होंने इतने सराहनीय कदम उठाए हैं, उनको हम शत शत नमन करते हैं। इस तरह की शख्सियत हमेशा अपने सराहनीय कार्यों के द्वारा हमेशा अमर रहेंगी। हम उनकी तरह तो नहीं बन सकते, लेकिन हम उनसे प्रेरणा ज़रूर ले सकते हैं। बड़े हों, बूढ़े हों या बच्चे हों, हमें ऐसे शख्सियत से प्रेरणा लेनी चाहिए। बड़ों को ये देखना चाहिए कि किस तरह से हम अपने घर के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें, क्योंकि आज यदि हमें खुद की और अपने परिवार की और अपने समाज की मदद करनी है तो सबसे पहले हमें शिक्षित होना पड़ेगा। यदि हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम ना तो स्वयं की मदद कर सकते, जब हम खुद की ही मदद नहीं कर सकते तो हम किस तरह दूसरों की मदद करेंगे। मैं अपने लिए बताऊं तो मैं अपने पूरे परिवार में पहली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट लड़की थी। मेरे परिवार में मेरे से पहले किसी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की थी, तो जब हमें कोई शुरुआत पहली बार करनी पड़ती है तो कई बार रिश्तेदारों की, आसपास वालों का सुनना पड़ता है, अरे इंजीनियरिंग करा के क्या कराओगे बच्चे को, क्या बनना है इन्होंने, क्या बनेंगे ये। लेकिन वही हमारे माँ बाप की सोच थी कि नहीं, बच्चे जो करना चाहें उन्हें हम पूरा मौका देंगे। और लड़कियों से कई बार हम उनका जो आगे का जीवन होता है, माँ बाप देख करके दुखी हो जाते हैं कि वो खुद की किसी तरह मदद नहीं कर पाते, लेकिन अगर वो शिक्षित होंगी तो वो अपने हिसाब से अपना जीवन चलाएंगी। तो उनको शिक्षित करके, उनको मजबूत बना करके ही अगले घर भेजें। तो मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई होने के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि मैं आईएएस की तैयारी करूँगी। तो मैंने, मेरे घर वाले ने पूरा सपोर्ट किया, घर वालों ने, और उन्होंने कोचिंग दिलाई, मैंने तैयारी की। फिर मैंने एचसीएस की परीक्षा दी और 2013 में भी दी, और 2016 में मैंने इसको उत्तीर्ण किया और बीडीपीओ के पद पर एचसीएस अलाइड में मेरा चयन हुआ। तो आज मेरे पूरे परिवार वाले इस बात पर गर्व करते हैं कि हमारे पूरे परिवार में, हमारे गांव में पहली महिला जो एचसीएस अलाइड सर्विसेज में चयनित हुई है और आज हरियाणा सरकार के जिम्मेदारी के पद पर कार्यरत है। तो ये कोई एक दिन की सफलता नहीं होती है, बचपन से एक सोच होती है। हम बचपन से एक सोच लेकर के चले कि हमें जीवन में कुछ बनना है, और यही आप सभी छोटे छोटे बच्चों से मैं कहना चाहूँगी, अभी से अपना लक्ष्य निर्धारित करें। मैं जब छोटी थी तो बड़े ध्यान से, जब हमें कोई बात बताई जाती थी बड़े ध्यान से बड़ों की बात सुनते थे, और जो चेंज अपने में लाना है कि हाँ हमें ये कार्य करना है वो करते थे। तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें, समय नष्ट कभी ना करें,
फ़ोन है और आजकल इंटरनेट वगैरह उपलब्ध है, बच्चे बहुत ज़्यादा समय अपना नष्ट करते हैं। हमारे समय में हम इतना नहीं करते थे, और जब इंटरनेट आ भी गया था तो तब भी हम नहीं चलाते थे, हम पढ़ते थे। मैं तो जब पढ़ती थी अपने काला फ़ोन रखती थी जिसमें नेट नहीं होता था, कि हमें पढ़ना है, हमें उतना ही इंटरनेट का प्रयोग किया जाए जितना कि आवश्यक हो। तो हमें ऐसी आदतें डालनी हैं जो हमारी पढ़ाई में बाधा ना बने और हम अच्छे से पढ़ सकें। जो भी कुछ हमें स्कूल से कार्य मिलता है, बड़े अच्छे से बच्चों को चाहिए कि वो उसे याद करें, बार बार घर पे सुनाएं, माँ बाप को सुनाएं, भाई बहनों को सुनाएं। आपस में जब खेलते हो बच्चे आप लोग आपस में, तो भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें याद करके एक दूसरे को सुनाएं। कितने अच्छे से हम चीज़ें याद करें, इसका ही सारा खेल है। कुछ बच्चे अच्छे से पढ़ पाते हैं, कुछ नहीं पढ़ पाते। तो आज का जो कार्यक्रम है बड़ा ही उत्साहवर्धक है कि हमें अपने शिक्षा के स्तर को निरंतर बढ़ाना चाहिए। हर उम्र के लोगों को चाहिए कि हम आगे बढ़ते रहें और कुछ नया जीवन में सीखते रहें। यही जीवन है, तभी हम इस जीवन को सार्थक बना पाएंगे। मैं अधिक बोलने में असक्षम हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ करें। और पुनः है मैं सावित्री बाई फुले जी के जन्मोत्सव की आप सभी को बधाई देती हूँ, और ये आशा करती हूँ कि आप सभी उनके जो जीवन का स्रोत रहा है, जो जीवन का उद्देश्य रहा है, उसे समझेंगे और अपने जीवन में भी उसे लेकर के आएंगे। धन्यवाद।